है ना, तो एक उसमें आता है स्लैश एन, शुरू में जो हम लगा रहे थे ना अभी, देखो उसका मतलब मैं समझा रहा था। तो देखो स्लैश एन मतलब ये वाली जो स्क्रीन है ये कट जाएगी, खत्म हो गई, नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगी। तो एक पीओ की जो ट्रांजेक्शन में बता रहा था ना ME23, तो पीओ की आपने बताया, हाँ स्लैश एन का बता, ये न्यू स्क्रीन लेते हैं हम यहाँ से, सेम है ये दोनों, हाँ ये दोनों सेम बता रहा हूँ, अभी वही बता रहा हूँ, समझ आ जाएगा, एकदम क्लियर आ जाएगा, प्रैक्टिकल देख लो। अगर मैं स्लैश एन दबाऊंगा तो ये स्क्रीन खत्म हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी मैं दूसरी कोई ट्रांजेक्शन चलाता हूँ पीआर वाली, ठीक है, ME51N पीआर बनाने के लिए ट्रांजेक्शन होती है ME51, ठीक है। अब मैंने इसको जैसे ही क्लिक करूँगा ना तो ये स्क्रीन खत्म हो जाएगी, क्यों, मैंने स्लैश एन दबाया, लेकिन अगर मैं यहाँ स्लैश ओ दबाता हूँ तो स्लैश ओ का मतलब होता है अदर, मतलब ये भी रहेगी स्क्रीन और एक दूसरी स्क्रीन भी रहेगी। अभी मैं देखो दिखा रहा हूँ, तो अभी मैंने स्लैश ओ दबाया तो एक और स्क्रीन खुलेगी, ये वाली भी खुली रहेगी, ठीक है। और एक बार स्लैश एन करके दिखा देता हूँ, तो स्लैश एन मतलब है नेक्स्ट स्क्रीन, जब आपको पुरानी खत्म करनी हो नेक्स्ट खुलनी, और स्लैश ओ मतलब पुरानी भी रखनी हो और एक और खुलनी, तो अदर, तो स्लैश एन और स्लैश ओ करनी चल रही है अभी पीछे में, खुल जाएगी तो मैं दिखा दूंगा, तब तक मैं पीआर की ट्रांजेक्शन बोलिए, देखो ये आगे देखो क्रिएट परचेज एक और ट्रांजेक्शन, तो ये स्लैश ओ करा इसलिए। अब देखो मैं अगर इसी पे खोलता हूँ स्लैश एन करके उसी ट्रांजेक्शन खोलता हूँ पीआर वाली, स्लैश एन ME51N, तो अब ये देखो ये वाली ट्रांजेक्शन कट जाएगी, खत्म हो जाएगी और वही वाली डायरेक्टली पीआर वाली, अब ये खाता नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं पीआर बनाने की, पीआर होती क्या है, तो पीआर बता रहा हूँ, परचेज रिक्विजिशन का मतलब होता है परचेज की एक रिक्वेस्ट है, अब परचेज को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, इट इज़ इंटरनल डॉक्यूमेंट रेज्ड बाय डिफरेंट यूज़र आइदर बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, लॉट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, टू रिक्वेस्ट द परचेज रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू अरेंज द प्रोडक्ट एंड सर्विस, तो इट्स अ इंटरनल डॉक्यूमेंट रेज्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ अ यूजर, सभी लोग रेज करते हैं पीआर कंपनी में, एचआर वाला स्टेशनरी मंगाएगा और सिक्योरिटी की सर्विस की पीआर बनाएगा, उसकी बनवाएगा, अगर ईटीपी एसटीपी है मतलब सीवरेज की ट्रीटमेंट है, ठीक है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट है, उसकी पीआर बनती है, जॉब वर्क की पीआर है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट यूज़र बनाते, ठीक है, पर बनाते सभी लोग। अभी ME51 अब SAP में एक मतलब है 1-4 create, 2-4 change and 3-4 display, तो जैसे मैंने ट्रांजेक्शन बताई ना ME51N, तो ये create है, 1 है ना create, 52 मतलब change, 53 मतलब display। अब जैसे मैंने ME23 बताई थी display थी PO की, तो change क्या होगी ME22 PO की, और क्रिएट क्या होगी ME21। तो 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा के हम पीआर डालेंगे, ठीक है, ME51 है, ठीक है। अब देखो पीआर में है क्या क्या, तो सबसे पहले आता है कि वो पीआर का डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। अब पीआर कई तरीके की हो सकती है, जैसे मैंने बताया ना हर डिपार्टमेंट डाल रहा है, तो प्रोडक्शन वाला मान लो जॉब वर्क की डाल रहा है तो जॉब वर्क की पीआर अलग होती है, सर्विस की पीआर अलग होती है, स्टेशनरी की पीआर अलग होती है, और स्टैंडर्ड आइटम की पीआर अलग है, तो वो डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे होते हैं। अभी कंपनी में जब आप एसेट मंगा रहे हो कंप्यूटर लैपटॉप मशीन, तो उसकी पीआर अलग होती है, तो यहाँ से वो डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करते हैं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में जाओगे डिफरेंट टाइप की डॉक्यूमेंट होगी, कुछ लोग एक ही में बनाते जाते हैं, तो अभी मैं बस पीआर बनाना सिखा रहा हूँ क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप के बाद में जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट टाइप। जैसे सपोज कर लो अभी मैं स्टैंडर्ड ही बना रहा हूँ, तो NB स्टैंडर्ड ही है परचेज, ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए, क्या मंगाना है, ठीक है, तो मुझे पार्ट नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी मैं इतनी सारे सेशन खुले मैं बंद करता हूँ, ठीक है, ठीक। अब आते हैं, तो यहाँ मुझे क्या डालना है, पार्ट नंबर, ठीक है, तो पार्ट नंबर पता होना चाहिए, तो जैसे मैंने एक पार्ट नंबर डाला,
1420। अगर मुझे पार्ट नंबर नहीं पता है तो यहाँ F4 करके ना मैं डिस्क्रिप्शन से ले सकता हूँ कि मुझे चाहिए नाम। अब हाँ, अभी मैं पार्ट कोड मान लेता हूँ मुझे पता है, बाकी नेक्स्ट प्रोसेस में हम बताएंगे और कैसे ढूंढ सकते हैं पार्ट। कितनी क्वांटिटी चाहिए मान लो, तो मैंने मान लिया कि मुझे चाहिए 10 क्वांटिटी, ठीक है। अब किस प्लांट के लिए चाहिए, तो मैंने मान लिया कि मेरा प्लांट है SRS1, मैंने एक प्लांट बना रखा है, ठीक है। स्टोरेज लोकेशन ये वो जगह जहाँ पे पार्ट जाएगा तो रखा जाएगा। तो PR जो बंदा डालता है उसको पता है कि मुझे कितनी क्वांटिटी मंगानी है, किस प्लांट में मंगानी है और रखना का, ठीक है। तो यहाँ अब मैं एंटर मारूंगा तो ये इस प्लांट में ना, इस प्लांट में जो ये मटेरियल है उसमें जितना भी डाटा है मास्टर में, मैं अभी मास्टर डाटा कर सिखाऊंगा आगे, वो सारी फील्ड बाकी ऑटोमेटिकली है। अच्छा, तो ये रॉ मटेरियल है, ठीक है। राहुल बोलो। अब सर आप स्टोरेज पे आके आपने ओके करा तो वहाँ टाइप नहीं कर सकते आप? देखो टाइप भी कर सकता हूँ मैं वहाँ, वैसे स्टोरेज टाइप मैं यहाँ डाल भी सकता हूँ, वैसे ये सब सिस्टम अपने आप दिला सकता है। तो स्टोरेज लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो चेंज करना है कर भी सकते हो, यूनिट नहीं चेंज कर सकते आप किसी भी पार्ट, तो आपकी यूनिट उसकी पहचान है। कोई पार्ट अगर लीटर में आता है ना तो लीटर में ही आएगा, किलोमीटर में मीटर में नहीं आ सकता। हमारा जैसे मेरा नाम ओम प्रकाश दुबे तो मैं मिश्रा नहीं कर सकता इसे, तो ये पहचान है उसकी पार्ट। और क्या क्या इसमें है PR में, तो हेडर में जाओगे और हेडर में जाके अब आपको मान लो परचेज वाले को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है PR कि भैया ये पार्ट जो है वो मेरे को चाहिए रिक्वायर्ड, वैसे तो डिलीवरी डेट का भी मतलब होता है, ठीक, रिक्वायर्ड इन प्रॉपर पैकेजिंग ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, या पैलेट लिख दिया कि मुझे पैलेट पे चाहिए सारा माल, ठीक है। पैलेट होता है जिसपे रखते हैं मटेरियल, लोहे का लकड़ी का जो होता है, या अगर आप मान लो कोई तार और मंगा रहे हो तो तार का मेक लिख दिया, मेक लिख दिया कि भैया मुझे इस मेक का प्रोडक्ट चाहिए, मुझे मोटर अगर आप मंगा रहे हो आपने लिख दिया मुझे ABB की मोटर चाहिए, ठीक है। तो जो भी पार्ट से रिलेटेड है वो वहाँ डिस्क्रिप्शन है, या आपने लिख दिया कि मुझे सारे पार्ट ABB के चाहिए, तो ये जो हेडर टेक्स्ट है सारे पार्ट पे, यहाँ जितने अगर मान लो एक और पार्ट है 50 पार्ट हो सकते हैं ना आइटम पे, तो सारे पार्टों के लिए अप्लीकाई हो जाएगा। लेकिन अगर हर पार्ट के लिए अलग डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो पार्ट वाइज डिस्क्रिप्शन के लिए देखो यहाँ से हमने पार्ट 10 सेलेक्ट कर लिया, 10 है ऑलरेडी, 10 ही है, और यहाँ पे एक और टेक्स्ट आ रहा है, तो हमने अभी ये रॉ मटेरियल है इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख दी कोई सी ABC, ठीक है, ये है दूसरा आइटम कुछ लिया मैंने, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन है उसकी, यहाँ से जाऊँगा और सेकेंड लाइन सेलेक्ट करूँगा उसकी डिस्क्रिप्शन। अच्छा, मतलब आइटम वाइज आइटम की अलग अलग लिख सकते हैं। अब जैसे मोटर भी है, वायर भी है, है ना, स्विच गियर्स भी है, तो आप सबका अलग अलग मेक बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एक में नहीं लिख सकते सर? नहीं, एक में भी लिख सकते हो हेडर पे, लेकिन पता क्या, अगर आइटम वाइज है ना डिस्क्रिप्शन तो आइटम वाइज ही लिखनी चाहिए कायदे से, ठीक है, क्योंकि ये कॉपी जाती है PO में और ये परचेजर के लिए हेल्पफुल रहता है कि भैया ये है, ठीक है। दूसरा आप देखो, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने केवल पार्ट डाला था और प्लांट डाला था, बाकी सब मटेरियल मास्टर से डेटा आ गया। सर जैसे अब आपने ये वाला लिखा था है ना, इसकी इन्फॉर्मेशन तो आपने यहाँ दे दी। हाँ, ये पता है ये हेडर टेक्स्ट होता है जब ये सारे पार्ट्स पे अप्लीकेबल होगा, सारी लाइनों। अच्छा 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 अच्छा, और लाइन आइटम वाइज तब डालते हैं जब हर लाइन का अलग अलग, हर आइटम का अपना अलग अलग है, ठीक है। अब इसमें चेंज करना हो तो दो तरीके, ME52 से चेंज कर सकते, तो या तो इसको ऐसे दो बार क्लिक करके कॉपी कर लो, ठीक है, क्या है 3 6 times 083, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया है ऐसे,
ठीक है। अब देखो इसके और फीचर क्या है, सर आगे के नहीं कर दिया मैंने। तो अभी क्या करेंगे, जैसे अभी आपको इसको इसी लाइन को कॉपी करना होगा, ठीक है, सेलेक्ट कर लो, यहाँ से ना इस लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, ये आगे के नहीं भरने होते, नहीं आगे कुछ ज़रूरत नहीं, भर सकते हो जितनी चाहिए, किस वेंडर से चाहिए, डिज़ायर अगर वेंडर है कि नहीं इससे ले आ सकते हो तो ले आना, या कोई वेंडर फिक्स कर दिया वो डाल दिया या फिक्स वेंडर कर दिया, दूसरा यहाँ सोर्स ऑफ सप्लाई है, वही इन्फॉर्मेशन है कि किस वेंडर से आपने वो फिक्स कर दिया कि मुझे ये इस वेंडर से ही चाहिए, तो वो यहाँ डाल दें सोर्स ऑफ सप्लाई में आ जाए। कॉन्टैक्ट पर्सन में ये आपका डिटेल रहता है कि अगर मान लो परचेजर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किसने पीआर डाली है, कब डाली है, तो वहाँ रिक्विजिशनर ने नाम डाल दिया, मान लो मैंने बेदी के लिए डाली है पीआर, बेदी का नाम डाल दिया है, अब बेदी का नाम डाल नंबर डाल दिया, या बेदी की कोई आइडेंटिटी है कंपनी में इसका एम्प्लॉई आईडी डाल दिया, या ये लिख दिया कि बेदी प्रोडक्शन का आदमी है, तो प्रोडक्शन लिख दिया मैंने पीआरडी, तो इससे क्या होगा जब भी पीआर ढूंढनी होगी ना, तो हर बार मान लो बेदी पीआर डालता है, तो जब हम आगे ढूंढना चाहेंगे तो इस पीआरडी से इस ट्रैकिंग नंबर से ढूंढ पाएंगे, वो मैं एक रिपोर्ट की इसकी अलग से एक वीडियो बना रखी है, मैं आप लोगों को शेयर करूँ, वो देखी थी सर आपने, करी शेयर करी, देखी थी हाँ, तो उसको देख लेना, ये जो पीआर है ना उस रिपोर्ट में दिखेगी। तो अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन लगभग हो गई, ठीक है, तो मटेरियल के बारे में कुछ जानना हो तो यहाँ से मटेरियल के डाटा में आ जाता है, कौन सा मटेरियल है, क्वांटिटी देखनी हो तो यहाँ पे भी दिखता है कितनी क्वांटिटी है, किस दिन आना है, ठीक है। अब ये ओपन क्वांटिटी का मतलब ये है कि 10 की 10 क्वांटिटी अभी इसका माल मटेरियल एक भी नहीं आया, पर अगर पीओ बन गया मान लो 5 क्वांटिटी का, तो यहाँ 5 हो जाता है कि 5 क्वांटिटी का पीओ ऑर्डर हो जाए, ठीक है, ठीक है। अब सोर्स ऑफ सप्लाई में वेंडर फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, स्टेटस में इसका सारा दिख जाएगा कि इसका पीआर का क्या पीओ बना है, ठीक है, पीओ से क्या मीगो हुआ है, पीओ से क्या बिलिंग हुआ, वो स्टेटस में जाके सारा दिख जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर्सन मैंने बता ही दिया, टैक्स बता ही दिया, डिलीवरी एड्रेस में अगर आपको बताना है कि किस जगह जाना है, किस प्लांट में जाना है, किस जगह जाना है, वो डिलीवरी ये सब रिक्वेस्ट करने वाला ही बता, ये अपने आप ही उसकी बाय डिफॉल्ट कंपनी के हिसाब से वो ले आता है, ठीक है। चेंज में और कुछ चेंज करना है तो मान लो मेरे को ये ME521 ट्रांजेक्शन है, देखो 53 से अगर पेंसिल दबाओगे तो 52 खोल देता है, अच्छा पीछे कर देता है, पीछे बैकग्राउंड में खोलता है, तो दोनों तरह से आप खोल सकते हो, बैकग्राउंड भी फोरग्राउंड। तो अभी मैंने जो भी चेंजेस किए हैं मैं सेव कर दे रहा हूँ, ये मेरा पीआर का काम था, मेरी पीआर पर पीआर चेंज, ठीक है, वीडियो क्लोज कर देता हूँ, नहीं तो इसका साइज बढ़ जाएगा।